आपके चहेते गे लव स्टोरीज के YouTube चैनल वी आर क्वेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे स्टोरीज को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और आपके कमेंट्स को पढ़कर हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से ही हम एक से बढ़कर एक खूबसूरत गे लव स्टोरीज हर रोज सुबह 5 बजे पोस्ट कर पाते हैं। हमसे ऐसे ही जुड़े रहे और यूं ही प्यार देते रहे। हम वादा करते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही खूबसूरत लव स्टोरीज लाते रहेंगे। आज हम कनाडा से आए एनरिक और असम के रहने वाले निबिर की लव स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। स्टोरी बहुत खूबसूरत है और आपने इसके पहले पार्ट को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, जिसका लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टोरी में आगे क्या हुआ हम जानते हैं। एनरिक और निबिर चाय के बगान घूम कर आए थे और सुबह से निबिर के पीठ में जकड़न थी। रूम छोटा और कंजस्टेड होने की वजह से निबिर के भैया अपने दोस्त के रूम पर सोने चले गए। अब उस छोटे से कमरे में निबिर और एनरिक बिल्कुल अकेले थे। सुबह से एनरिक की काफी सारी बातें निबिर को समझ नहीं आई थी, क्योंकि काफी सारे ऐसे वर्ड्स थे जो इंग्लिश के निबिर को समझ नहीं आते थे उसके। अब रात बिस्तर में निबिर को एनरिक ने शर्ट उतारने को कहा, क्योंकि एनरिक को पता था कि निबिर की पीठ में सुबह से दिक्कत है। निबिर के मना करने पर भी एनरिक ने निबिर की शर्ट उतरवाकर बॉडी में ऑयल से मसाज करना शुरू किया। निबिर की आंखें बंद थी और उसे आराम मिल रहा था। एनरिक को भी निबिर को मसाज करके सॉफ्ट सा फील हो रहा था। काफी गुदगुदा सा शरीर निबिर का। आंखें बंद देख पता नहीं एनरिक को क्या हुआ, उसने निबिर के गुलाबी होठों को किस किया। निबिर ने जब रोका नहीं तो एनरिक की हिम्मत और बढ़ गई और वो आगे भी किस करता रहा। निबिर को पता नहीं फिर अचानक क्या हो गया, उसने एनरिक को किस करते हुए हटा दिया। एनरिक ने इसके लिए सॉरी कहा और कहा कि मैं बहक गया था। निबिर को असल में मजा आ रहा था, पर फिर घबराहट में उसने ऐसा किया था। एनरिक ने कहा कि तुम्हें देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। निबिर ने कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। निबिर ने कहा कि मेरे पीठ का दर्द ठीक कर दिया वैसे तो तुमने, निबिर ने बात टालते हुए कहा। दोनों मुस्कुराने लगे, बेड पर लेटे लेटे दोनों एक दूसरे को निहारने लगे। प्यार साफ झलक रहा था, बस जुबान पर नहीं आ रही थी दिल की जो बात थी। एनरिक ने बोला कि कैमरा बैटरी आज चार्ज नहीं थे, इसलिए सारे फोटोज हमें मोबाइल से लेने पड़े। देखो सारे फोटोज कितने प्यारे आए हैं मोबाइल पर ही सही, एनरिक सारे फोटोज दिखाता निबिर। निबिर की नजर तो एनरिक के मसल्स पर होती है और निबिर भी कहना चाहता है कि उसे वो पसंद करता है, पर निबिर का डर था कि अगर एनरिक को पता चला कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ तो मेरे साथ वो फिजिकल होना तो जरूर चाहेगा और मैं आज तक कभी फिजिकल नहीं हुआ हूँ, अगर हुआ तो बहुत तकलीफ होगी, मैं तो ये सोच कर भी डर जाता हूँ, पर क्या करूँ, फीलिंग भी तो है। निबिर को किस करना अच्छा लगा था और उसे एनरिक का इतना ज़्यादा ख्याल रखना भी बहुत भा रहा था। एनरिक ने अचानक ही कहा कि मैं अभी शर्ट उतार रहा हूँ, तुम भी मेरे पीठ का मसाज कर दो प्लीज़। निबिर मान गया और एनरिक पेट के बल लेट गया। तेल पैंट में ना लग जाए ये सोचकर एनरिक ने पैंट भी उतार दी और अंडरवेयर में यूं ही लेट गया मसाज कराने के लिए। निबिर के हाव भाव देखने लायक थे, वो हर बार शॉक्ड हो जाता एनरिक के किसी भी हरकत से। कमर पर एक खूबसूरत सा टैटू था जो कि कमर से लेके बट तक फैला हुआ था। एनरिक के जिस पर 7 रंग के वो टैटूज थे काफी खूबसूरत लग रहे थे, वो LGBTQ के रेनबो को डिनोट करते थे, एक तरीके से काफी मीनिंगफुल था वो टैटू। निबिर ने कहा कि खूबसूरत है टैटू, तब एनरिक ने बताया कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड टैटू आर्टिस्ट और उसको लाख मना करने पर भी उसने ये जिद में टैटू बिल्कुल बट के पास ही कमर पर बना दी। निबिर ये सुन करके हंसने लगा और मुस्कुराने लगा। अब निबिर अपने मुलायम हाथों से एनरिक को मसाज करने लगा। एनरिक निबिर को पसंद तो करता ही था, निबिर के छूने से एनरिक का मूड बन रहा था, जिस वजह से एनरिक को पेट के बल लेटने में दिक्कत हो रही थी। उसने निबिर को हटने के लिए कहा। निबिर के अंदर एक लालच थी एनरिक को फिर से किस करने के लिए, पर घबराहट के मारे उसे हिम्मत ही नहीं होती थी। रात काफी थी
और दोनों आज अलग अलग बेड पर सोने को चले गए। पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। और पूरे दिन बिताए हर एक पल को एनरिक ने कपड़े नहीं पहने और वैसे ही लेटा रहा। एनरिक को नींद तो आ गई पर निबिर की तड़प जगने लगी। वो बार बार एनरिक की तरफ देखता और नींद के बहाने एनरिक के बेड पर हाथ फेरता और कई बार एनरिक तक अपने होंठ भी लेकर के गया, पर डर के मारे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुश्किल से नींद आई दोनों को और फिर सुबह हुई और आँख खुली, और तब आँख खुली जब निबिर के भैया ने दरवाजा नॉक किया था। निबिर ने देखा कि वो आज फिर अपने बेड पर नहीं है बल्कि फिर से एनरिक की बाहों में लेटा हुआ है सैंडविच की तरह, और उसे कुछ चुभ भी रहा है। निबिर डर गया क्योंकि नींद में सुबह के वक्त एनरिक बहुत ज्यादा मूड में था। और फिर निबिर बिस्तर से उतरकर झट से दरवाजा खोलता है। अब दोनों भाई मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तब तक थोड़ी देर बाद एनरिक उड़ जाता है और दोनों मस्त कॉफी पी करके बातें होती हैं कि आज का प्लान क्या है। निबिर ने तो ये भी बताया कि रात सपने में उसने आज किस किया था एनरिक को। निबिर कहता है कि भैया के सामने ऐसी बातें नहीं करनी, इसलिए मैं पूरी बात रास्ते में बताऊंगा। आज दोनों कुछ अलग प्लान कर रखा था उन लोगों ने। निबिर को एनरिक ने उन्हें पसंद के कपड़े पहनाए और निबिर ने अपने पसंद के कपड़े एनरिक को पहनाए। कलर का फर्क था क्योंकि आज दोनों साथ में मंदिर जाने वाले थे, माँ कामाख्या के मंदिर, इसलिए दोनों ने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखा था। दोनों क्यूट लग रहे थे और आज हाथ में कैमरा भी था। सोचा कि खूब फोटोज क्लिक करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, बट मोबाइल से फोटोज क्लिक की जा सकती। दोनों खूब हंसी मजाक करते सफर पर निकले। प्यार दोनों का बढ़ता ही जा रहा था। अब जैसे ही कामाख्या मंदिर के बारे में निबिर ने सब कुछ बताया एनरिक को, एनरिक चौंक गया जब उसे ऐसे ऐसे फैक्ट सुनने के लिए मिले। उसको निबिर ने पहले ही बताया था कि इंडियन कल्चर एंड बिलीफ के बारे में, कि आखिर में वहाँ पर होता क्या है, किस तरीके से यहाँ पर शक्तिपीठ से लेकर के अलग अलग चीज़ें पहले से हैं, तांत्रिक पूजा पाठ और बहुत कुछ। एनरिक ने मनी मन सोच लिया था कि वो मंदिर में जा कर के क्या मांगेगा। एनरिक और निबिर ने मन से पूजा किया और एनरिक ने निबिर को मांगा था। मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउ था नहीं, तो फोटोज मोबाइल से क्लिक करे दोनों ने, और निबिर और एनरिक के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी थी। निबिर सोचने लगा कि एनरिक के साथ हर दिन इतना खूबसूरत है, दोनों इतना समझते हैं आपस में, एक दूसरे को कुछ कहना नहीं पड़ता, इतना प्यार शायद ही किसी के बीच होगा, ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती, क्या कभी अपने दिल की बात मैं एनरिक से बता भी पाऊंगा, क्या वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी करेगा या फिर बस टाइम पास करके चला जाएगा, अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा, ये कितना अच्छा है, काश ये हमेशा के लिए मेरे पास ही रुक जाता, इसको थोड़ा सा घमंड भी नहीं है, जाने से पहले काश मैं अपने दिल की बात एनरिक को बता पाऊंगा। अब फाइनली रात थक हार के दोनों रूम पर पहुंचे थे। चलना इतना ज्यादा हुआ था कि दोनों चूर हो चुके थे। और फिर एनरिक बिना कुछ बोले बेड पर लेटकर मुस्कुराता रहा। निबिर का दिल उसकी स्माइल को देख करके पिघल गया और उसके अंदर एक हिम्मत आई, और पता नहीं अचानक क्या हुआ, निबिर ने खुद को बेड के पास ले जा करके एनरिक के होठों को चूम लिया। कमरे में अभी भी कोई नहीं था, भैया लौटे नहीं थे। एनरिक की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब सामने से निबिर आकर के उसे चूमता है। उसने कपड़े उतार दिए और हग कर लिया, अपने बाहों में लपेटकर रोमांस करने लगा। दोनों बिल्कुल होश में ही नहीं थे। निबिर को प्रपोज किया था एनरिक ने, इससे पहले कि एनरिक कुछ कर पाता निबिर ने आई लव यू टू कहते हुए ये भी कहा कि वो उसे कब से पसंद करता है। मौसम बिल्कुल गर्म हो चुका था, दोनों की सांसें तेज थीं और धड़कन भी बहुत तेज थी। एनरिक ने निबिर को अपने ऊपर बैठाया पर निबिर के मुंह से निकला कि रुक जाओ, तब उसकी धड़कन बहुत तेज थी। निबिर ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, तब एनरिक ने बोला क्यों, तब निबिर ने कहा मैं वर्जिन हूं। और फिर एनरिक रुकने का हवाला था, प्यार बहुत करता था,
उसके बाद जो एंडिंग ने किया वो बिल्कुल जानने लायक है दोस्तों, जिसके लिए आपको इसके नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं। इस स्टोरी को भी बाकी स्टोरीज की तरह प्यार दीजिए। आपका अपना निलय हर दिन खूबसूरत स्टोरीज ऐसे ही लाता रहेगा। फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। लव इज लव। डोंट फॉरगेट टू शेयर।